ही गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग में हम लोग कवर करने के लिए जा रहे हैं वसई फोर्ट को, जो कि हमारा वसई वेस्ट में पड़ता है। तो वसई फोर्ट जाने के पहले अभी हम लोग जा रहे हैं और नाला सोपारा ईस्ट में जो है तुलिन रोड के पास में एक महावीर जी का मंदिर है, वहाँ पर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। फिर वहाँ पर दर्शन करके फिर हम लोग आगे चलेंगे। वैसे नए साल में हम लोगों ने काफ़ी कुछ प्लानिंग किया था, और लेकिन अभी क्या है कि हमारी जो शनि ग्रह है ना, शनि के साथ साथ जितने भी ग्रह हैं सब अभी खराब चल रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग वसई फोर्ट को देखने के लिए चलेंगे। वहाँ पे जाने का क्या तरीका है और कैसे पहुँचा जा सकता है आगे आपके वीडियो में बताऊँगा मैं। ही लोकल बोरीवली ते अंधेरी, अंधेरी ते बांद्रा, बांद्रा ते दादर, दादर ते मुंबई सेंट्रल या स्थानकांतरण कुठल्याही स्थानकांवर थांबणार नाही। तो वसई फोर्ट देखने के लिए आपको वसई रोड जो स्टेशन है वहाँ उतरना पड़ेगा, और आपको ध्यान देना है कि वसई वेस्ट में उतरना है ना कि ईस्ट में। जब आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे, जो कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, तो एक ग्राउंड टाइप का है जो ये बस डिपो है, तो यहाँ भी नहीं जाना है आपको, इसके भी आगे जाना है। और यहाँ जो देख रहे हो ना, आप लेफ्ट साइड में खड़े हो जाना है आपको 10 कदम की दूरी पर, और आपको जो बस जो है ना अपोजिट साइड में है, तो यहीं से राउंड लेके और बस यहीं से बनती है वसई किला के लिए। तो आपको वसई किला के लिए जो बस मिलती है वहीं पर करना है, जो आपसे 20 रुपये लेंगे और इजीली मिल जाता है, आपको सीट भी मिल जाएगा। तो यदि हम टाइम की बात करें तो आपको 20 मिनट में जो है ना, आपको 20 से 25 मिनट में आपको किला के पास में छोड़ देगी। तो फाइनली अभी हम लोग वसई फोर्ट पहुंच गए हैं, तो आइए हमारे साथ में और इसको एक्सप्लोर करते हैं। यदि हम बात करें तो वसई फोर्ट जो है ना काफ़ी पुराना है, और इसका निर्माण जो था ना 1184 ईस्वी में हुआ था, और इस पर जो ना अलग अलग टाइम पे जो ना अलग अलग लोगों ने इस पर शासन किया था। यदि हम बात करें तो 1432 के करीब में इस पर यादव डायनेस्टी का शासनकाल था, उसके बाद में गुजरात सल्तनत ने किया, उसके बाद ये पुर्तगालियों के अधीन में कुछ समय तक रहा, कुछ समय यानी कुछ सालों तक। उसके बाद में पुर्तगालियों को हरा कर मराठवाओं ने इस पर शासन किया, उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया, उसके बाद इस पर ब्रिटिश राज ने शासन किया, और फाइनली जब हमारा जो भारत आज़ाद हुआ तो 1947 में ये जो था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कंट्रोल में दे दिया गया है। जब वहाँ पर उतरोगे ना, डायरेक्ट आपको सीधा आना है, उधर नहीं जाना है आपको, ठीक है? उधर से आप आओगे ना तो ये एंट्री वहाँ से, तो एक छोटा सा तालाब दिख रहा है आपको, और बाकी का जो लोकल लोग हैं अपना अपना काम कर रहे हैं, मछली पकड़ने के लिए जाल का। तो ये सब देख सकते हो। तो फोर्ट काफ़ी पुराना है, और लेकिन वो इंट्री और एग्जिट के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई भी आ सकता है। तो बाहर की तरफ देखोगे ना आप, डायरेक्ट यहाँ पे भी आ सकते हो। किला तो है सुनसान एकदम लगता है, लेकिन आपको इसके बाजू में जब जाओगे ना तो बहुत पूरा बस्ती बसा हुआ है, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि शाम के टाइम पे जो ना आप अकेले ना आए यहाँ पे। ये क्या है इधर देखोगे तो मंदिर वगैरह मिल जाएगा आपको, पूरा जंगल ही जंगल है। किला वो देख रहे हो ना आप, वहाँ तक है वो सब है, काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में फैला हुआ है। तो ओवरऑल यदि बात करें तो मेरे पसंद और नापसंद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे पसंद कुछ खास लगा नहीं।
तो बाहर से कुछ यूँ दिखती है किला आपका, और आजू बाजू में जो है ना काफ़ी घने जंगल हैं जिसमें आपको खजूर के और नारियल के पेड़ मिलेंगे काफ़ी। ये बहुत बड़ा हॉल दिख रहा है इसमें, छोटे छोटे रूम बने हुए हैं, छोटे छोटे नहीं बोल सकते हैं, काफ़ी बड़ा बड़ा रूम है, ऊपर से पूरा ओपन है एकदम। अरे यहाँ पे कुआं भी है, तो फोर्ट के नाम पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ जंगल है, बाकी कुछ हमको दिख नहीं रहा है अभी। प्राचीन इमारत है तो इसका इम्पोर्टेंस तो है ही, ये सब तो लग रहा है कि बाद में बनाया होगा। ये छोटे छोटे रूम है, कभी अपने ज़माने में यहाँ पर लोग रहते होंगे। तो चलते हैं अंदर में और देखते हैं कि क्या है। हॉन्टेड मूवी का सीन जो होता है ना उसी तरह लग रहा है, बरगद का पेड़ है देख रहा ना, पूरे जंगल जंगल हो गया। इमेजिन कीजिए 200 300 साल पहले कभी लोग यहाँ पर रहते होंगे। जब ये फोर्ट बना होगा ना तो कितने लोग यहाँ पर रहते होंगे। तो हम चलेंगे यहाँ पे, बाकी कुछ तो है नहीं, तो चलो आए हैं तो थोड़ा सा और एक राउंड मार ही लेता हूँ, हो सके मेरा दोबारा यहाँ पर आना ना होगा कभी इन फ्यूचर में। तो मुझे कुछ खास दिखा नहीं है, आम के पेड़ दिख रहे हैं ना कितने बड़े बड़े पेड़ हो। नॉर्मली जो है ना इस तरह का पेड़ जो है ना गाँव में ही मिलेगा आपको, शहर में इतना बड़ा मिलेगा नहीं। इसको जो है ना हम लोग भाट का बोलते हैं पेड़, इसे दतवन करने पे जो था ना पेट का खीरा जो होता ना वो मर जाता है। ये है कोठा डूमर बोलते हैं, अभी मैं सांप पे जो है ना पैर रख देता। तो यहाँ पर खजूर का पेड़ जो है ना काफ़ी मात्रा में है, देख सकते हो आप पूरा खजूर का ही पेड़ है। और ये देखिए आम का इतना बड़ा पिसार पेड़,
जाके एडिटिंग करूँगा। तो आज के ब्लॉग में हम लोगों ने वसई फोर्ट को एक्सप्लोर किया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी वीडियो के माध्यम से इंजॉय किए होंगे। तो आज का वीडियो कैसा रहा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बाकी जो है वसई स्टेशन के लिए जो है ना बस जो है आपको उसी जगह से मिल जाएगी, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। थोड़ी सी डिले होती है, 15 या 20 मिनट का गैप ही हो सकता है। तो चलिए मैं जल्द ही मिलता हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया। Please like and subscribe to our channel and don't forget to share.